नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित घोष और मैं पेशे से एक अभिनेता हूं। मैं बहुत दिनों से कन्फ्यूजन में था और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने कविता लिखी, जो मैं आप सबके सामने इसका पाठ करना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी अभिनेता जो इस कन्फ्यूजन में फंसे हैं, इस कविता को सुनकर उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है सपने। घर की चार दीवारों के बीच बैठा मैं ये सोच रहा, घर की चार दीवारों के बीच बैठा मैं ये सोच रहा, कहाँ से आए थे ये सपने जिसे मैं अब भी संजो रहा। कहाँ से आए थे ये सपने जिसे मैं अब भी संजो रहा। बचपन में तो न था इनका साथ, जवानी में क्यों हुए ये मेरे, है ये हैरानी की बात। अब तक कुछ हुए हैं पूरे, अब तक कुछ हुए हैं पूरे, कुछ अभी भी हैं अधूरे। गांव छूटा, घर छूटा, कुछ रिश्ते टूटे और कुछ नए जुड़े। नए शहर में होंगे पूरे, पहले किसने बताई थी ये बात। नए शहर में होंगे पूरे, पहले किसने बताई थी ये बात। नया शहर भी हो गया है अब कुछ पुराना, सपनों का अभी भी भरा हुआ है खजाना। इनमें से कुछ होंगे पूरे, कुछ को ले जाऊंगा मैं अपने साथ। इनमें से कुछ होंगे पूरे, कुछ को ले जाऊंगा मैं अपने साथ, अगले जन्म में फिर ले आऊंगा मैं इनको साथ। बस याद रह जाए मुझे ये बात, बस याद रह जाए मुझे ये बात, फिर ना कह सकूंगा मैं कहां से आए थे ये सपने जिसे मैं अब भी संजो रहा। शायद पिछले जन्म से आए थे ये सपने जिसे मैं अब भी संजो रहा। शायद पिछले जन्म से आए थे ये सपने जिसे मैं अब भी संजो रहा। धन्यवाद।